ये मौतम सही है, होश में रहो, होश में रहो, होश में रहो, होश करो, जस्टिस, जस्टिस, हम किसी को यहाँ पे तकलीफ देने नहीं आए हैं, ना ही हम गवर्नमेंट से लड़ने आए हैं, ना किसी ऑफिसर से लड़ने आए हैं। हमारा बच्चा 3 दिन से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में लापता है, मिसिंग है, ना पता है वो किडनेप हुआ है या गायब है, किसी ने उठाया है, क्या पता कहाँ पे है वो। 3 दिन से हम ढूंढ रहे हैं, पुलिस पे FIR भी दर्ज है, वहाँ पे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनके प्रिंसिपल से बात हुई, FIR भी वहाँ पे लॉज हुआ है, लेकिन वो कार्रवाई नहीं हो रही है जो हम चाहते हैं। हमारा बच्चा 3 दिन से लापता है, अभी बाजियाब नहीं हुआ है। गवर्नमेंट से हम गवर्नर J&K श्री मनोज सिन्हा से, डीसी मैम बारामूला से हम यही इस्तीफा करते हैं कि हमारे बच्चे को जल्द से जल्द बाजियाब करें। ना ही हम किसी को तकलीफ देंगे, ना ही हम गवर्नमेंट से लड़ने आए हैं, लेकिन हम यहाँ पे अपना जमीन या जेवरा तो भेजते हैं, अपने बच्चे को बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ाने भेजते हैं, लेकिन वहाँ हमारे कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है ये तो आपको पता ही, आजकल रोज मीडिया में यही आ रहा है। ये मशहूर आवाज, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा बच्चा है हमारा, ये 10th क्लास में पढ़ता है, 10th में इनके वहाँ पे एंट्री की, 3-4 साल हो गए वहाँ पे इसको पढ़ाई करते हुए। जो ही ये नदीम तरीन हॉस्टल जो कि सर्दी कॉलोनी में, वहाँ से थोड़ी डिस्टेंस में कॉलेज है, सिटी कॉलेज के नाम से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में वो कॉलेज है, तो वहाँ पे निकले अपने साइकिल पे, तो बीच में क्या हुआ अभी तक हमें कुछ पता नहीं है। पुलिस बैरिकेड वहाँ पे कर रही है काम, लेकिन हम चाहते हैं जल्द से जल्द इसको बाजियाब किया जाए। पुलिस सुस्ती से काम कर रही है या तेज रफ्तारी से काम कर रही है ये तो प्रशासन को पता होगा, लेकिन हमारी आ रहा था उस वक्त।